हम वैज्ञानिक जलवायु के बारे में इतनी दूर तक की भविष्यवाणी करने में अगर माहिर हैं, तो फिर मौसम के बारे में हमारा अंदाज गलत कैसे हो जाता है? बल्कि इस साल तो मेरे शहर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। ऐसे में तो हम वैज्ञानिकों को मानना चाहिए कि पृथ्वी पर ठंड बढ़ रही है। मौसम और जलवायु में बहुत फर्क है। वायुमंडल बहुत थोड़े अरसे में जो करता है वो मौसम है। ये कुछ घंटे या कुछ दिन चलता है। मौसम का कोई ठिकाना नहीं, यानी कि मामूली से बदलाव होने पर भी मौसम पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए 10 दिन बाद के मौसम की भविष्यवाणी किसी मतलब की नहीं। बाली में तितलियां पंख फैलाकर उड़ती हैं, तो 6 हफ्ते बाद मेन में खुले में हो रही शादी बर्बाद हो जाती है। मौसम का एक लंबे अरसे का औसत जलवायु है, कई सालों का औसत। जिन ताकतों की वजह से वायुमंडल में ऊर्जा का संतुलन बनता बिगड़ता है, उन्हीं से जलवायु भी बनती है। जैसे कि सूर्य में होने वाले परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा में झुकाव, पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस भेजी गई सूर्य की रोशनी और हवा में ग्रीन हाउस गैसों की मौजूदगी, इनमें से किसी में भी बदलाव हो तो जलवायु पर भी